और दोस्तों उम्मीद सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्राची के बचने के बाद में रणवीर ने बोल दिया है कि अगर मेरी प्राची को किसी भी तरीका से कोई दिक्कत हो जाती तो मैं तुम दोनों बहन भाइयों को नहीं छोड़ता। और जिसके बाद मैं अक्सर बोलता हूँ नज़र आएगा कि तुम करते ही क्या, वो मेरी वाइफ है, मुझे उसका ख्याल रखना अच्छी तरीका से आता है। जिसके बाद में रणवीर बोलेगा कि हाँ मैं जानता हूँ तुम किस तरीका के हस्बैंड हो, और मुझे पता तुम प्राची के हस्बैंड नहीं हो, इतना तो मुझे भी कन्फर्म है, क्योंकि प्राची में सिर्फ और सिर्फ मेरी जान बसती है, प्राची मेरे से प्यार करती है, मैं प्राची से, तुम होते कौन हो बीच में अपना डिसीजन सुनाने वाले। उसके बाद में अक्षय भड़कता हुआ नजर आ रहा है, अक्षय बोल रहा है कि रणवीर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मुझे नहीं पता। जिसके बाद में अक्षय उसे बोलता हुआ नजर आएगा रणवीर कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, क्योंकि मीका तुम्हारी बहन ने जो किया है वो भी गलत है, लेकिन मैं तुम दोनों बहन भाइयों को छोड़ूंगा नहीं, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारी असलियत जल्दी ही मैं प्राची के सामने तुम्हारी असलियत भी लाऊंगा, ये मेरा वादा है। आप लोग जानते ही हैं कि रणवीर इस समय पूरी तरीका से एक्सपोज कर रहा है अक्षय को, और जल्दी ही दोस्तों आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीका जेल में जाती हुई भी नजर आने वाली है प्राची के आखिरकार एक्सीडेंट कराने के केस में, क्योंकि दोस्तों उसका जेल जाना भी निश्चित है, ताकि इन दोनों बहन भाइयों को एक सबक मिल सके, और सबक भी कोई और नहीं बल्कि रणवीर ही सिखा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रणवीर की जर्नी कहो कुछ भी, रणवीर की जर्नी हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रही है। और दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि आने वाली कहानी में एक नहीं बल्कि समय एक और भी नया टूटता तोहफा नज़र आने वाला है, क्योंकि दोस्तों सभी लोग थोड़े नहीं बल्कि समय घने ही ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहे हैं, और टेंशन का रीज़न भी आप लोग खुद जानते ही होंगे। जी हाँ साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है, उसके लिए भी दिल से धन्यवाद।